ऑल न्यू बजाज पल्सर N160, इसमें दो वेरिएंट हैं, डुअल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस और डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस। आज हम जानेंगे इस डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस के बारे में। इसमें बस एक ही कलर वेरिएंट है, इस कलर का नाम है ब्रुकलिन ब्लैक। इस बाइक में जो फीचर्स आपको मिलेंगे, ऑल न्यू रिफाइंड इंजिन, टॉर्क ऑन डिमांड, मेटालिक डुअल टोन कलर, अंडर बेली एग्जॉस्ट, लो सीट हाइट, 37mm फ्रंट फोक्स, न्यू नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन, BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड टेल लैम्प, न्यू इन्फिनिटी डिस्प्ले कंसोल विथ DTE प्लस गियर इंडिकेटर, USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, डुअल चैनल ABS, वाइडर टायर प्रोवाइड ए बेटर स्टेबिलिटी। बाइक की मडगार्ड सेक्शन में है फ्लोटिंग डिजाइन और इसकी टैंक में है शार्प और एग्रेसिव लुक, साथ ही इसमें है डुअल टोन कलर। बाइक की रियर सेक्शन में यहाँ पे लिखा गया है N160 और इसकी जो लाइसेंस प्लेट सेक्शन है फुल मेटल मेड है ये पार्ट। बाइक की एक शोरूम प्राइस है 1,25,824 और आपको डाउन पेमेंट करना है 55,000 और ये बाइक आपकी। बाइक की जो टैंक है इसके दोनों तरफ है फाइबर मेड टैंक काउल जिसमें ब्लैक क्रोम 3D में लिखा गया है पल्सर। इस बाइक की जो बाहरी ढांचा है इसमें बस ये टैंक ही फुल मेटल मेड है और इसमें जो पेट्रोल कैपेसिटी है 14 लीटर, इसमें मेटल मेड पेट्रोल लीड भी आपको दिए गए हैं और आगे की ओर है USB चार्जिंग पोर्ट। इस बाइक की जो हेडलाइट सेक्शन है इसमें है एक रोबोटिक ह्यूमन फेस एग्रेसिव लुक। ऊपर की तरफ है दो LED DRL और इस बाइक को स्टार्ट करने के बाद आपको यहां पर मिलेंगे BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट जिसमें है बहुत ही तेज रोशनी, तो मौसम जैसा भी हो आपको हमेशा मिलेगा बेहतर रोशनी इस लाइट से। और इसमें जो बैटरी सेक्शन है ET Z5 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी। और दोस्तों इस बाइक में आपको मिलते हैं बल्ब इंडिकेटर्स, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे बदल के आप इसमें LED इंस्टॉल कर सकते हो जिनकी प्राइस होगा 4 बल्ब की 1,100 रुपीज़। और पीछे की ओर आपको यहाँ पे मिलते हैं LED टेल लैंप्स विथ ग्लिटर पैटर्न्स। आप देखिए इसमें डॉटेड ग्लिटर पैटर्न्स है, तो बहुत ही बेहतरीन अपडेट है इस बैक लाइट में। इस बाइक में है वाइड रॉड हैंडल बार, तो इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं है, फिर भी इसकी राइडिंग बहुत ही एग्रेसिव है। इसमें है ब्लैक मैट फिनिश और आगे की ओर है यहाँ पे की सेक्शन, स्टीयरिंग लॉक और इग्निशन यहाँ से ही होता है। पल्सर N160 में है इन्फिनिटी डिजिटल मीटर कंसोल विथ बैक ब्लू लाइट डिस्प्ले। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। इसमें जो फीचर्स आपको मिलेंगे साइड स्टैंड, हाई बीम, टेम्परेचर, बैटरी मैलफंक्शन, RPM, ABS, न्यूट्रल, शो गियर नंबर, फ्यूल, ओडो, ट्रिप टाइम, सर्विस और रेंज इंडिकेटर। इस डुअल चैनल ABS यूनिट की फ्रंट सस्पेंशन में है टेलीस्कोपिक 37mm फ्रंट फोक्स और इसमें एक रिफ्लेक्टर है जो दरअसल एक सेफ्टी फीचर्स हैं। इसमें 300mm की डिस्क विथ डुअल चैनल ABS, लाइट वेट अलॉय व्हील जिसके ऊपर है रेड स्पिन स्ट्रिप और इसमें टायर सेक्शन है 100x80 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। बाइक की रियर साइड सस्पेंशन में है एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स सस्पेंशन और साथ ही इसके रियर साइड में है 230mm की डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल ABS यूनिट और इसकी जो रियर टायर प्रोफाइल है इसमें 130x70 17 इंच की वायर्ड ट्यूबलेस टायर। बाइक की हैंडल बार इंड में है मेटल फिनिश, साथ ही इसमें ग्रिप है रावर ग्रिप, ठीक ठाक है ग्रिप और इसमें है स्लीपर क्लच, तो इसीलिए क्लच बहुत ही सॉफ्ट है। साथ ही यहाँ पे है पास बाय स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच, यहाँ पे है साइड इंडिकेटर और नीचे है हॉर्न स्विच और सभी स्विच में लाइट्स हैं। बाइक की थ्रॉटल ग्रिप में है क्विक रेस्पॉन्स और हैंड ऑपरेटेड ब्रेक भी इस बाइक में काफ़ी सॉफ्ट हैं। इस बाइक में यहाँ पे रेड कलर में है इंजन किल स्विच और ऑन स्विच। दोस्तों सब्सक्राइब बटन भी लाल है, अब प्लीज़ उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ स्विच है लेकिन इसमें कोई हैजर्ड लाइट ऑप्शन नहीं है और नीचे है सेल्फ स्टार्ट स्विच। बाइक के इंजन सेक्शन में यहाँ पे है एक सिंगल हॉर्न और मेटल क्रैश गार्ड। इंजन के ठीक नीचे है फाइबर मेड इंजन काउल और इस इंजन में सेल्फ स्टार्ट के साथ इसमें है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर्स और इंजन में है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वाल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन। डिस्प्लेसमेंट 164.82 cc, मैक्सिमम पावर 16 PS और मैक्सिमम टॉर्क है इसमें 14.65 Nm। 5-स्पीड गियर बॉक्स है इसमें, 1 डाउन 4 अप और इसमें स्लीपर क्लच है। दोस्तों अब कानों में हेडफोन पहन लीजिए।
इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, सीट हाइट 795 mm और इस डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS यूनिट की कार वेट है 154 kg। दोस्तों इस बाइक में है स्टेप अप सीट, सीट काफ़ी खुरदुरा है, तो राइडर हो या फिर पिलियन जब आप ब्रेक लगाओगे राइडिंग के दौरान तो आप आगे की ओर नहीं जाओगे क्योंकि सीट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखिए पल्सर की ब्रांडिंग है, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूँ, सिटी राइड के लिए ये बाइक बेहतर है क्योंकि इसमें स्लीपर क्लच भी हैं, लेकिन अगर आप सीट की क्वालिटी मुझसे पूछो तो इसमें लॉन्ग राइड के लिए बेहतर क्वालिटी नहीं है। साथ ही पीछे की ओर यहाँ पर है स्प्लिट मेटल ग्रैब रेल। इस बाइक में सिंगल स्टैंड के साथ है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर्स और इसमें डुअल स्टैंड भी हैं। राइडर फुट रेस में यहाँ पे रबर है और नीचे की ओर है मेटल। आगे यहाँ पर गियर शिफ्टर में देखिए थोड़ा सा रबर दिए गए हैं क्योंकि आपके शूज खराब ना हो इसलिए। और यहाँ पर देखिए मेटल एंकल गार्ड है। अगर आप पिलियन फुटरेस को यहाँ पर देखिए तो इसमें देखिए ये हिस्सा बॉडी के साथ जुड़ा है, यूनिक डिजाइन है, साथ ही इसमें फुटरेस में मेटल है, इसमें कोई रबर नहीं है। राइडर की राइट साइड यूनिट में भी यहाँ पर फुटरेस में देखिए रबर का इस्तेमाल हुआ है, सेम डिजाइन, और यहाँ पर भी मेटल एक एंकल गार्ड है और यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है इसमें थोड़ा सा रबर है। बाइक की टेल सेक्शन में है ब्रेक लाइट, लाइसेंस प्लेट लाइट और उसके ठीक नीचे है रियर हगर फाइबर मेट। इस बाइक में मेटल मेट एक शाड़ी गार्ड है और इसमें है नेकेट चेन। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो तो इस बाइक में चार कमी है आज के दिनों में, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, हैजर्ड स्विच और क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें नहीं है। और इसमें तीन चीज़ें हैं इस 160cc की सेगमेंट में जो बहुत ही बेहतर है, टॉर्क ऑन डिमांड इंजन, स्मूथ गियर शिफ्ट और गुड माइलेज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। We'll be right back.